वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बालों में रेशमीपन, बालों को सीधा कैसे करें, बालों को मुलायम और सॉफ्ट बनाने का हम आपको बहुत ही सरल एवं आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने बालों को स्ट्रेट बना सकते हैं और उसमें सुंदरता ला सकते हैं। यह नुस्खा आप कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे यह सब हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताएंगे। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आप इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जिन औरतों के या जिन पुरुषों के बाल घुंघराले हो गए हैं वो भी इस नुस्खे के जरिए अपने बालों को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। अगर आपके बालों में चमक नहीं है, आपके बाल डल हो गए हैं, तो भी आप इस नुस्खे को अपनाकर अपने बालों में चमक ला सकते हैं, आपके बाल दूर से ही शाइन करेंगे। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आप इस प्रकार बारीक पीस लें और आपको इसको मिक्स करने के लिए चाहिए कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी को रात भर भिगो के रखना है और इस प्रकार ये लेप तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ करके रखा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जब आप बालों में लगाने लगेंगे इस लेप को, लगाने से पहले आप इसके अंदर एक चम्मच लेमन का रस मिक्स करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो एक चम्मच, अगर आप महिला हैं तो दो चम्मच बालों नींबू का रस मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब आप इस बालों की स्कैल्प में सबसे पहले लगाएंगे, यानी कि बालों की जड़ों में इसकी शुरुआत करेंगे। इस प्रकार हाथों में लेके बालों की जड़ों में इस प्रकार अच्छे से लगाएंगे। आपने लेप को ज़्यादा गाढ़ा तैयार नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा तैयार होगा तो वो आपके बालों में अच्छे से नहीं लग पाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इतना मुलायम आपने तैयार करना है, इतना सॉफ्ट और इतना लाइटली तैयार करना है। अब इसको आप अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे से लगा लेंगे। बालों के स्कैल्प में लगाने के बाद अब आप इसे अपने सारे बालों में लगाएंगे, इस प्रकार नीचे की तरफ करते हुए सारे बालों में लगाकर फिर ऊपर आप इनका जूड़ा सा बना देंगे। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में क्या जूड़ा बनाएंगे, तो महिलाएं अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए सारे बालों में इस लेप को लगाएंगे। लगाने के बाद 2 से 3 घंटे तक अपने बालों में अच्छे से लगा रहने दें। अब आप अपने बालों को धो सकते हैं। धोने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल बालों में ना करें, ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल बालों में बालों को डैमेज कर सकता है और आपके बालों को झड़ने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो बालों में गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, आप हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद होती है कि जानकारी सब आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मेजवादी की जानकारी आपको कैसी लगी बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जरिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।